वार्ड 60 के पार्षद चंद्रेश सांकला द्वारा स्वयं के मकान का 100 गज सरकारी नाले की भूमि मिलाकर और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नियमन कराया गया। इस संदर्भ में सारे नकली डॉक्यूमेंट लगाए गए। मूल पार्टियां जिनके द्वारा प्लॉट बेचा गया उनसे संपर्क किया, उनके किसी कोई डॉक्यूमेंट पे कोई साइन नहीं है। मूल एडीए की मूल फाइल से सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उसकी एक एफआईआर दर्ज करा के मात्र अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लगाकर, जहाँ की आम पब्लिक का कोई नियमन नहीं हो रहा है, वहाँ इसके 2016 के अंदर ये सारे नकली डॉक्यूमेंट लगा के नियमन कराया गया। और फिर एक राजस्व हानि भी पहुँचाई गई, एक और नकली डॉक्यूमेंट लगाया गया जिसके अंदर 25,000 का एडीए से डिमांड उठा लिया गया चंद्रेश सांकला द्वारा। यह आज 2 महीने से शहर में ईमानदारी की बीन बजा रहा है कि मैं ये आज अभी 2-4 दिन पहले इसने ब्लॉग लिखा कि मैं आतन अपराधी हूँ। तो कहते ना, आतन अपराधी की प्रवृत्ति नहीं जाती है। ये पहले भी फ्रॉड था, आज भी साफ फ्रॉड करता हुआ आ रहा है। और आप इसके पूरे तथ्यों के साथ, मैं पूरी फाइल कंप्लीट आपको दे रहा हूँ मीडिया को, आप इसकी जाँच कराएँ। कंप्लीट मैं तथ्यों के साथ दे रहा हूँ। एडीए से हमने सूचना के अधिकार में मैंने फाइल मांगी, लेकिन हमें कोई फाइल नहीं दी गई। इसलिए हमने अपने स्रोत से ये फाइल निकाली गई, जिसकी मैं पूरी पूर्ण कॉपी आपको दे रहा हूँ। एडी ने आपको क्यों इनकार करा फाइल देने से? हमने सूचना के अधिकार में, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। इतने टाइम से बोले आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। इस सारे उक्त प्रकरण में इसका एक दोस्त है भुवनेश दोसाया, जिसके पिताजी विधि सलाहकार सूर्य प्रकाश जी दोसाया वो यहाँ पे कार्यरत थे। इनके बेटे की इस ओरिजिनल फाइल के अंदर आईडी लगी हुई है, जिसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, पूरी फाइल दे रहा हूँ, ओरिजिनल आईडी लगी हुई है। सारा फर्जी नियमन इन लोगों ने मिलकर एक गैंग चला रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और कई फर्जी नियमन कराए इन्होंने, जिसमें से आज एक सिर्फ मात्र एक का खुलासा कर रहा हूँ मैं आपको। आज फिर 2-4 दिन के अंदर मैं इसके और तथ्य पेश करूंगा आप लोगों के सामने। आपको लगता है और भी पार्षद इनके साथ मिले? नहीं, हमें इसका जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी ये सर, इसने पहले गोल्डन हेलो के नाम से गरीबों के पैसे खाए, आज लौंगिया में सीकर में इसके नाम से एफआईआर दर्ज है, जो मैंने आपको कम से कम 50 मुकदमे 400 BC के, जो स्वयं लिख रहा है, खुद के लेख में लिख रहा है। आपने भी मुकदमा दर्ज कराया था क्या? नहीं, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, मेरा कोई मुकदमा नहीं इससे, हमारा कोई विवाद नहीं। लेकिन क्या है साहब, ये अभी 15-20 दिन से, महीने भर से ईमानदारी के झंडे गाड़ रहे हैं शहर में कि फर्जी नियमन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जी नियमन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्वयं जो पार्षद अपने निवास का फर्जी नियमन कराता है, मौके पर इसका प्लॉट है मात्र 35x17 और आज इसका मकान में निर्माण 56x46 के अंदर निर्माण हो रखा है इसका, बिना कोई नक्शा पास कराए, बिना कोई सेटबैक छोड़े, नाले की भूमि का नियमन कराते हुए 2016 में। मतलब आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। तो ये चीज़ें हम आज डिस्क्लोज करने के लिए पूरी फाइल कंप्लीट समेत मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसकी जांच कराइए। तथ्य सर जी, कहाँ का है, कौन से वार्ड का ये है? सर वार्ड 60 के पार्षद है, इसका निवास अलकनंदा कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर 55x248। कांग्रेस से हैं, बीजेपी? ये बीजेपी का पार्षद है साहब। तो आप भी तो बीजेपी के? तो क्या साहब, ये तो जो 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 गलत करेगा वो भुगतेगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। आपका नाम? आपका नाम पुनीत वालिया। आप बीजेपी के को बिलोंग करते हैं, लेकिन बीजेपी के ही महापौर है क्या? महापौर को पहले शिकायत? महापौर का साहब इसमें कोई लेना देना नहीं, ये एडीए का प्रकरण है, ये एडीए का प्रकरण है, इसमें महापौर का क्या लेना देना है? नहीं साहब, कोई नक्शा पास नहीं, ना एडीए से ना निगम से, सब पूर्ण पूर्ण अतिक्रमण कर रखा है, सारे नियमनों का उल्लंघन है खुलेआम। 2016 में आप लोगों ने इस बात को क्यों उठाया? सर ये फाइल ही आज सामने आई ना इसकी, ये सब जब चीज सब तथ्य सामने आएंगे, जब सामने आई तभी तो। ये शहर में ईमानदारी के झंडे गाड़ रहा है, अतिक्रमणों के खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आप कर रहे हो, तो ये इस अतिक्रमण के खिलाफ भी आप कार्रवाई करो। और सर आप आज से थोड़े टाइम पहले जहाँ इसका कार्यालय स्थित है 118 नंबर खसरे में, सर 50 गज का नियमन प्लॉट है, जो कि प्लॉट उस खसरे में भी नहीं है, सेम कहानी है सब, उसमें कोई फर्जी नियमन, और वहाँ पे 256 गज पे बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसको निगम ने नोटिस देके 10H और 10I के फाइनल नोटिस दे रखे,
और उसके अंदर इसने कार्यालय खोल रखा है अपनी शेह पे, वहाँ दादागिरी करके ये लोग वहाँ किराया वसूलते हैं और पूर्ण इन्होंने वहाँ अपना ठिया बना रखा है गुंडागर्दी का।